तहलका भाई आ चुका है तहलका गेम लेकर। दोस्तों गेम खिलाई जाएगी, ये देखो कितने फुट की ये घड़ी है, उसको इनाम में दी जाएगी। और यही नहीं, तोहफे बहुत हाई प्रोफाइल हैं, ये देखिए आप। और ये घड़ी, ये तीनों ही नहीं, आप भी जीत सकते हो। हाई प्रोफाइल घड़िया आपके घर लग सकती है। अंकल जी ने जान वार दी, अंकल ने बोला बेटा जो जीतेगा उसके घर पे 65,000 रुपए की घड़ी लगेगी। टाइमर ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट का समय है। जो जीतेगा एक मिनट के अंदर जल्दी 5 गुब्बारे फुलाएगा, वो तहलका मचा के लाखों रुपए की घड़ी घर ले जाएगा। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, तहलका भाई आ चुका है तहलका गेम लेकर। और पूरे भारत में आज तक ऐसी गेम किसी ने खेली नहीं होगी, और ना ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसी गेम खेलकर इतना हाई प्रोफाइल लाखों का तोहफा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों गेम खिलाई जाएगी, ये देखो कितने फुट की ये घड़ी है, उसको इनाम में दी जाएगी। और यही नहीं, तोहफे बहुत हाई प्रोफाइल हैं, ये देखिए आप, ये घड़ी देखिए। और ये घड़ी, ये तीनों ही नहीं, आप भी जीत सकते हो। मेरे इंस्टा हैंडल पे ऐसी गेम मैं खिलवाने जा रहा हूँ कि इतनी हाई प्रोफाइल 70-80 हजार रुपए की घड़ियां आप भी जीत सकते हैं। ये देखिए आप, हाई प्रोफाइल घड़ियां आपके घर लग सकती हैं। ये गेम खिलवा रहा हूँ, ये गेम मैं आपके साथ भी खेलूंगा, जल्दी खेलूंगा। जल्दी से मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लो। और बाबू जल्दी से तू लो खोल यार, आप ये टीवी भी जीत सकते हो। क्यों? बेच दो सब। अच्छा तो दोस्तों गेम खिलवा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको अपने अंकल जी से मिलवा रहा हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से इतनी हाई प्रोफाइल घड़ियां बनाई है जो कभी सोच नहीं सकता बंदा। और घड़ी वाले जो बंदे मार्केट में बैठे हैं उनके भी समझ से परे है कि भाई इतनी बड़ी घड़ी कैसे बन सकती है हाई प्रोफाइल घड़ी। घर में लगाओगे तो 4 चांद लग जाएंगे, तहलका मच जाएगा बहुत जबरदस्त वाला। इनकी घड़ियां फॉरेन जाती है, फॉरेन में भी ऐसी घड़ियां बनती है। ओ तेरी, अच्छा जी इतनी हाई प्रोफाइल घड़ी, ये तो बहुत मोटी लग रही है। ओ तेरी अंकल जी, ये कहाँ तक? ओए होए। तो दोस्तों ये घड़िया मैं आपको भी इनाम में दूंगा, क्योंकि अंकल का दिल दरिया ही नहीं समुंदर है। हैं अंकल जी, दिल आपका दरिया नहीं समुंदर है। बिल्कुल, ये मैं बहुत सारी घड़िया लेके जाऊंगा और अपने इंस्टा पे गेम खिलवाऊंगा लोगों के साथ। बिल्कुल खिलवा लेना। खिलवा, ठीक है डन हो गया। अंकल ये बताओ, ये सारी घड़िया अपने हाथ से बनाई है? बिल्कुल, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। अच्छा जी, आयरन की घड़ी बनी हुई है। कई लोग क्या करते हैं, ये देखिए आप, देखिए पाइप देखो, अच्छा 2 इंची का पाइप लगा हुआ है, पूरा काम किया हुआ है, लेजर कटिंग की हुई है चीजें। क्या बात है। लोग क्या करते हैं, पतली सी घड़ी बना दी, थोड़ा सा वो कर दिया, डेकोरेट कर दिया। इसका वेट ही 15-20 किलो है। अच्छा जी, वही लोग तो तुम्हें आपको 5-5 किलो की घड़ियां बना के दे देते हैं। ये प्राइस अलग है। ये देखो ये घड़ी 17-18 हजार रुपए की है, ये भी 17-18। आप मेरे को बता रहे थे ये वाली घड़ी 500 रुपए की है। अच्छा जी, और आप मेरे को बता रहे थे ये वाली घड़ी 600 रुपए की है। आपका मैंने हिसाब लगाया, आप लुटवाने के चक्कर में रहते हो सबको। और अंकल ये जो घड़ी मेरे को, ये कितने फुट की घड़ी है? ये 4 फुट की घड़ी है। और आप इसके बारे में बता रहे हैं ये 800 रुपए की घड़ी है? ये बिल्कुल 800 रुपए की नहीं, घड़ी नहीं है। ये घड़ी जो आप समझ रहे हो वो चीज नहीं है। मैं आप मेरे को अंकल ऐसा, इसमें लाइट चलती है। आप हंस रहे हो ना कि मैं जीरो कम लगाता हूँ बार बार? नहीं नहीं, जीरो की बात नहीं होती। हाँ जीरो तो मैं भी बढ़ा के बोल सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं बोलता नहीं चाहता। ठीक है, देखिए ये घड़ी है, ये 60-65 हजार के बीच में आती है। अच्छा जी, ये 4 फुट की घड़ी है जी, इसमें ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम है, शाम को 5 बजे लाइट ऑन हो जाएगी, सुबह 6 बजे बंद हो जाएगा। अच्छा जी, ये हम कर, ये अभी मैंने फिटिंग नहीं करी, ये घड़ी आप ऑटोमेटिक जीपीएस से चलती है। ओए होए, डिजाइनिंग की हुई है सुइयों की हमने, ये क्वालिटी वाइज हम कंप्रोमाइज नहीं करते। क्या बात है, हमारे होटलों में लगती है, सोसाइटीज में लगती है, स्कूल्स में लगती है, कॉलेजेस में लगती है, रिजॉर्ट में, गुरुद्वारों में लगती है, मंदिर में लगती है। अंकल जी ये घड़ियां किसी को बल्क में चाहिए हो, जैसे ये ऑर्डर आ जाए, 5 घड़ियों का ऑर्डर आ जाए कि भाई आउट ऑफ इंडिया जानी, भिजवा दोगे? भिजवा देंगे। अच्छा जी, ये इराक जा रही है, बांग्लादेश भेजी हुई है, काठमांडू भेजी हुई है, भूटान भेजी हुई है। अच्छा जी, जी जबरदस्त। मैं स्पेन रहती हूँ, भिजवा दोगे? बिल्कुल भिजवा देंगे, स्पेन में भी आ जाएगी गाइस। आ जा बाबू, आगे आ जा। तो दोस्तों छोटा भाई और ये मेरी प्यारी बहन और ये मेरा, आगे आ जा भाई, ये तीनों में से देखते हैं आज ये 65,000 रुपए की घड़ी किसकी किस्मत में लिखी है। अंकल जी ने जान वार दी, अंकल ने बोला बेटा जो जीतेगा उसके घर पे 65,000 रुपए की घड़ी लगेगी। ताली बजा लो भाई सारे के सारे, जबरदस्त। तो तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में 5 गुब्बारे फुलाने हैं, जो जल्दी फुला देगा वो जीत जाएगा और 65,000 रुपए की हाई प्रोफाइल घड़ी घर ले जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात और कर लेता हूँ। अंकल ने एक ऑफर और दिया है, या तो तुम जीत में ये ले जाओ या इनमें से कोई पसंद कर लो। ठीक है, मैं तो ये ले जाऊँ।
है जी? मैं वो वाली लेके जाऊंगा। कौन सी वाली? मैं वो वाली लेके जाऊंगा। ये वाली? मैं तो सबसे बड़ी वाली लेके जाऊंगी। अच्छा जी, तो फिर ये कौन लेके जाएगा? ये मैं, ये जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको दे देंगे। हाँ ये भी सही है, उनको गेम खिलवा देंगे तहलका प्रैंक पे। और ये मेरा प्यारा भाई बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। और कोई लड़की है तो रिश्ते भेज दो। हाँ जल्दी से भेज दो। गर्लफ्रेंड है इसकी, बड़ा चलाक बंदा फिर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, गेम को खिलवा रहे हैं। पांच पांच गुब्बारे तीनों के हाथ में है। अब आप पहले गेस कर लो कौन जीतने वाला है। ये मेरी बकरी जीतने वाली है। बकरी कैसे बोला मैंने? हाँ ये थोड़ी बकरी है वो। मैं नहीं हूँ कुछ भी। तो ठीक है दोस्तों, टाइमर ऑन कर रहा हूं। एक मिनट का समय है। जो जीतेगा एक मिनट के अंदर जल्दी पांच गुब्बारे फुलाएगा, वो तहलका मचा के लाखों रुपए की घड़ी घर ले जाएगा। चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट। खुद नहीं फूलना, खुद नहीं फूलना, गुब्बारे फुलाने। जल्दी 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 जनता को बताओ किस किस के कितने हो गए? ये तीन, इसके तीन हो गए। अच्छा मेरा तीसरा हो गया, ये चौथा घर फुल आ रहा है मृदुल। बस बकरी के कितने हो गए? एक भी नहीं, सब फुस फुस उड़ रही है। और ये आखिरी पांचवा फुल आ रहा है। और तेरे टाइम खत्म होने वाला, जल्दी 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 जल्दी। तेरा कौन सा है? तेरा कौन सा है? पांचवा तेरा कौन सा है? पांचवा कर रहा है वो। अच्छा कर, झूठ बोल रहा था। जबरदस्त है। अच्छा तू झूठ बोल रहा था कि तूने पांचवा? अच्छा झूठ बोलने लग गया, झूठ बोलने लग गया तू। तेरे से कोई शादी नहीं करेगी, चार गुब्बारे बुला के बैठ गया। तेरे से शादी कर। अरे मेरा था यार वो पांचवा, मेरा था, मेरा था, मैंने इसका वाला उठा के बुलाया। चीटिंग ये बुला दिए। तो दोस्तों छोटा जीत चुका है, छोटे का हाथ खड़ा कर दो। चल भाई जबरदस्त है हल्का। तो अपने भाई को मैं, भाई पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है अपने घर ले जाओ। मेरे को तो ये पसंद है। ओए होए, हाथ में लो, हाथ में लो, हाथ में लो, हाथ में लो। तो दोस्तों छोटा जीत चुका, ताली बजाओ सारे के सारे भाई। वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। तो कैसा प्राउड फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, ये घड़ी जीत के मेरे को। और ऐसे कंपटीशन कराओगे तो ये सारे फेल हो जाएंगे मेरे आगे। अच्छा जी, पर तू तो बोल ही रहा था इस घड़ी पे क्यों आ गया? 2 इंच कम हो गया सर। नहीं अभी धीरे धीरे और कम हो जाएगा, बाकी घड़ियां तो हम सारी ले जाएंगे, जितने मर्जी कंपटीशन करवा लो। गोरा क्यों हो रहा है? शादी वादी कराने का मन कर रहा है। गोरा हो जाते हैं, हमें नजर नहीं लगती किसी। क्या बात है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। ये बंदा कैमरे से इतना घबरा चुका है ना, मैं आपको नहीं बता सकती कितना घबरा। नहीं बाबू, तूने बहुत मेहनत करी है, पूरे भारत में ये काम किसी ने नहीं करा जो तूने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, आपने अपने घर में हाई प्रोफाइल ये घड़ियां लगवानी है, अंकल को ऑर्डर देना है। और जैसी मर्जी आप गूगल पे सर्च मार लो, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे स्टूडियो वाली घड़ी, कंप्यूटर वाली घड़ी, गेट वाली घड़ी, पर्दे वाली घड़ी, जैसी बोलोगे अंकल बना देंगे। बना दोगे अंकल? बिल्कुल बना देंगे। पक्का? बिल्कुल। जबरदस्त। इनके घर में सिर्फ घड़ियां ही घड़ियां दिखती है सन्नी। अच्छा ओए होए, घर में इतनी खतरनाक घड़ी लगा रखी है। लड़की की माँ अगर कोई रिश्ता लेकर आना चाहती है। ओए होए, इतनी बढ़िया घड़ियां घर पे लगा रखी है अंकल। ये कितने की है? 300 रुपए की। इसमें सिर्फ 3 0 और बना दे, 30,000 रुपए की घड़ी। अच्छा जी, ओ तेरी जबरदस्त। घर में इतना सिस्टम खुलेआम क्यों रखा हुआ आपने? खुले खुले में रखते हैं। क्या बात है, तिजोरी में तो चीजें रखने वाली है नहीं। क्या बात है। तो अंकल से घड़िया ऑर्डर करे, तहलका मचवाए। नीचे अंकल का नंबर आ रहा है, अंकल नंबर बताओ। 9999020020। क्या बात है, जबरदस्त तहलका। और कोई भी लड़की गलती से मैसेज मत करना, ये मेरे अंकल बहुत शरीफ हैं और ये लड़की को ब्लॉक कर देंगे और अगले दिन फिर बात कर लेंगे। भाई ध्यान रखो, मुझे फोन मत करना, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ इन्होंने तो हर चीज में अपनी बीवी को आगे रखा हुआ है। बिल्कुल। और अंकल का एक इंस्टाग्राम है जो इनकी बीवी को नहीं पता, धीरे से बता दो कौन सा इंस्टाग्राम है। हिमगिरी ट्रेडिंग का। अच्छा जी, देखो मेरी बेटी कैसी कैसी बातें करती है, कभी ताऊ बना देती है, कभी भाऊ बना देती है। आजकल ताऊ बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। नहीं आजकल तो भाऊ बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो अंकल जी सर बताओ, अभी किसी लड़की से बात मत करना, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, मुझे घर पे रहना है। हाँ। रोटी भी खानी है और घड़िया बनानी है, और घड़ी में फिर सुई की तरह घुमाना भी है। बिल्कुल घुमाना भी है। किसको? लड़की को? नहीं घुमाना किसको, लड़की को? तू सुई को? नहीं जी, सुई को नहीं घुमाना हमने, किसी को भी नहीं घुमाना। सुई को नहीं घुमाना, लड़की को? नहीं, लड़की को भी नहीं घुमाना भाई। तो ठीक है, हम तो शरीफ आदमी।
फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है।